आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच जो पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बन गया, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस उस मैच को हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से करारी मात दी थी। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 338 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी और पूरी टीम महज 158 रन बनाकर सिमट गई थी। मगर इस मैच में भारत की उम्मीदें जगाई थी हार्दिक पांड्या ने। 43 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्के की मदद से तूफानी 76 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एक समय ऐसा था जब उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर पाकिस्तानी फैंस के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, मगर साथी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा से कुछ गलत फहमी के चलते पांड्या रन आउट हो गए। पांड्या ने शॉट खेलकर जडेजा को दौड़ने का इशारा किया। जडेजा क्रीज से आगे तो बढ़े मगर वापस लौट गए और तब तक पांड्या अपनी क्रीज से काफी दूर निकल चुके थे और पांड्या रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। आउट होने के बाद पांड्या जडेजा से काफी खफा थे। पांड्या के रन आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने कहा कि वह नाराज थे, लेकिन इससे उबरने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। पांड्या ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ 3 मिनट लगे, ये सिर्फ तुरंत आने वाली प्रक्रिया थी। मुझे तेजी से गुस्सा आ गया और कुछ मिनट बाद मैं ड्रेसिंग रूम में हंस रहा था और मुझे देखकर कुछ और खिलाड़ी भी हंस रहे थे। ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।